मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत बच्चों की शिक्षण गतिविधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए बागली विकास खंड अंतर्गत विद्यालय स्तर पर TLM मेले का आयोजन किया गया था, जिसके माध्यम से भाषा गणित विज्ञान पर आधारित मॉडल बनाकर शिक्षकों द्वारा बच्चों को उक्त विषयों के बारे में समझाया गया, जिससे कि बच्चों का शिक्षण गतिविधियां प्रभावशाली हो। इसी दौरान शुक्रवार के दिन बागली विकासखंड स्तरीय मेले का आयोजन जनपद शिक्षा केंद्र बागली पर विधायक प्रतिनिधि कमल यादव, जनपद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला कंठाली, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामा तोमर, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण चौधरी BRC अर्जुन मालवीय की उपस्थिति में TLM मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बागली विकासखंड के अंतर्गत आने वाले 14 जन शिक्षा केंद्र से भाषा गणित विज्ञान पर आधारित मॉडल प्रदर्शनी बनाकर 9-9 शिक्षक प्रत्येक केंद्र से उक्त मेले में सम्मिलित हुए, जहां पर सभी मॉडलों की प्रदर्शनी का अवलोकन गठित टीम द्वारा किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय प्रतिभागियों का चयन कर उन्हें BRC अर्जुन मालवीय द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। ये जो है आज विकासखंड स्तर का TLM मेला आयोजित किया गया है, इसमें शासन की मंशा के अनुसार बच्चों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नो कास्ट लो कास्ट और कबाड़ से जुगाड़ के तहत शिक्षकों के द्वारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया गया है, और इससे बच्चों की जो कठिन अवधारणाएं हैं उन कठिन अवधारणाओं को आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है। इसके लिए आज यहां पर शिक्षकों के द्वारा TLM मेला आयोजित किया गया। कितने विद्यालय सम्मिलित हुए थे इसमें? यहाँ पर 14 जनशिक्षा केंद्र है, और 14 जनशिक्षा केंद्रों से 9-9 व्यक्ति जो है, प्रत्येक विषय के 3-3 व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, भाषा विज्ञान और गणित के। यहाँ 14 जनशिक्षा केंद्र के 9-9 व्यक्ति यहाँ शामिल हुए हैं। इसमें जो हमारे प्रथम द्वितीय और तृतीय आए हैं उन सभी को पुरस्कार भी दिए गए हैं। कहीं आगे और इनको सम्मिलित किया जाएगा कार्यक्रम आगे? इनको अगला जो है इसमें 14 तारीख में जिला स्तर पर है, इसमें 25 और 26 में संभाग स्तर पर है, और 28-29 तारीख को ये जो है प्रदेश स्तर पर जो है इसका प्रदर्शन होना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।